हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहां पे तैयारी हो रही है सुबह के ब्रेकफास्ट की, और आज ब्रेकफास्ट में बनने जा रहे हैं सूजी के अप्पे। तो यहां पे मम्मी ने सुबह ही सूजी भिगो के रख दी थी, और इसमें डाले हैं प्याज और शिमला मिर्च हो गया, हरी धनिया हो गया, नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हरी मिर्च हम लोग नहीं डालेंगे, क्योंकि पीहू को हरी मिर्च तीखी लग सकती है इसीलिए। तो ये देख लीजिए, आप बैटर देख लीजिए, कुछ इस तरह से होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, तो कुछ इस तरह से होना चाहिए ये। और यहाँ पे थोड़ा सा डाल देंगे बेकिंग सोडा, साथ में थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो सिर्फ इनो डालकर भी बना सकते हैं, बट आज यहाँ पे हम लोग बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों चीज़ मिक्स करके ही बना रही हैं मम्मी यहाँ पे। तो ये देखिए, इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अप्पे पैन जैसा होता है वैसे आप इसको ग्रीस कर लीजिए, छोटा बड़ा कई साइज़ में आता है अप्पे पैन, तो इस तरह से आप इसको ग्रीस कर लीजिए। और फिर ग्रीस करने के बाद आप इसमें एक एक चम्मच के करीब डाल दीजिए अपना ये बैटर, और ढक करके रख दीजिए। बस 5 मिनट में आपके गर्मा गर्म बढ़िया से अप्पे तैयार हो जाएंगे। तो ये ऑयल फ्री ब्रेकफास्ट में आता है, मतलब अगर आप कम तेल खाना पसंद करते हैं, मिर्च मसाला कम, तो आप इस तरह के हेल्दी ब्रेकफास्ट खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो इसके साथ चटनी आप चाहे गरी वाली, नारियल वाली पीस लीजिए, या फिर आप खट्टी मीठी जैसी तीखी पसंद करते हैं उस तरह की चटनी बना के खा सकते हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने सब तैयारी कर दी थी, मैंने कहा चलो मैं इसको डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको डाल करके अब हल्का सा ऑयलिंग ग्रीस कर दूँगी, वरना बहुत सारे ब्रेकफास्ट होते हैं जिसमें बहुत सारा ऑयल लगता है, तो वो सब इतना सुबह सुबह अच्छा भी नहीं लगता है, और कभी कभी लगता है ना ऑयल फ्री चीज़ खाओ। तो बस आज यहाँ पे हम लोग ने अप्पे देखिए बनाए हैं, और एक साइड से पक गए थे, दूसरे साइड मैंने फिर पलट भी दिया है, और हमारे यहाँ पे गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट तैयार है। आइए आप भी हमारे साथ गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तो चलिए मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे कैमरे के आगे आकर मिलती हूँ। तो मम्मी ने पापा के लिए और पीहू के लिए निकाल दिया है, मैंने दोनों को सर्व कर दिया है। पापा और पीहू बैठ करके नाश्ता कर रहे हैं, यहाँ पे मेरा और मम्मी का, हम दोनों लोग के लिए भी है। तो बस अब ये मैं निकालूंगी और हम दोनों लोग भी बैठेंगे चाय के साथ इसे खाने के लिए। और आज मैंने जो वीडियो डाला था आप लोग को गोलगप्पे चैलेंज वाला, वो काफ़ी पसंद आया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मम्मी का गाना आपको अच्छा लगा, तो अच्छा लगा मुझे ये देख करके। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर, जिसने नहीं देखा है ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और इसके बाद मैं ट्राई करूँगी मैगी चैलेंज करने का, वो भी मम्मी के साथ। तो देखिए मेरा भी यहाँ पे निकल आया है अप्पे। तो यहाँ अभी हम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया है। मम्मी कुछ किचन में काम कर रही थी, समेट रही थी किचन, तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ की बेडिंग बना देती हूँ। तो मैं यहाँ पे सारा बिस्तर समेट रही हूँ। ये सारे एसी ब्लैंकेट हैं, क्योंकि रात में एसी चलता है तो अच्छा ठंडा हो जाता है मौसम। और आप सुबह, आज तो यहाँ पर बारिश भी हो रही है, एक्चुअली कल से बारिश हो रही है, तो मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है, और अभी भी बारिश बाहर हो रही है। आपको अगर बाहर गेट के बाहर दिख रहा होगा तो अंधेरा अंधेरा सा लग रहा होगा ना, तो वही अभी मौसम आज काफ़ी चेंज हो गया है। यहाँ पे मैं पीहू से ओरल सुनती जा रही हूँ, वो बैठी है अपने टैडी को लेकर के, कहती है ये मेरा सतरंगी है, उसका नाम वो बोलती है ये सतरंगी है। और मैं बस यहाँ पे सब समेट रही हूँ कि रूम को थोड़ा सा डस्टिंग, मैंने कहा चलो थोड़ी सी डस्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि कल जब आंधी आई थी ना तो काफ़ी ज़्यादा धूल हो गया था इसीलिए। तो वही सब मैं यहाँ पर कर रही हूँ, और पीहू से मैं ओरल सुनती जा रही हूँ, काउंटिंग हो गई, ABCD हो गया, तो इस तरह से बच्चे खेल खेल में पढ़ भी लेते हैं और
उनका उनको लगता है कि खेल हो रहा है, तो यही सब रहता है बच्चों के साथ। तो यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज कर दे रही हूँ और मशीन तो आज लगेगी नहीं क्योंकि बारिश हुई है, तो कपड़े सूखने का कोई ऑप्शन ही नहीं है और काफ़ी ज़्यादा मौसम अच्छा हो गया है। आप लोग के इस समय शहर का क्या हाल है कॉमेंट करके बताइएगा। यहाँ तो बारिश की वजह से मौसम बहुत अच्छा हो गया है। क्या कर रही हैं? मसाला बोलने जा रहा हूँ सब्जी के लिए। आप क्या कर रही हैं? पीछे से तेज पत्ता। क्या पढ़ रही हैं आप? अभी लायन टाइगर पढ़ रही थी। वाइल्ड एनिमल्स नेम बता रही हैं? हाँ। चलिए बताइए 5 वाइल्ड एनिमल्स नेम। हिप्पो, पतामस, कैंगू, लायन टाइगर और आप बताइए। मंकी। वेरी गुड। तो अभी मैंने अपने फेस पे एक फेस पैक लगाया था, एक्चुअली वो क्या बोलते हैं पील ऑफ मास्क लगाया था, इसका रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये वाओ का है, तो सूख गया था, मैं इसको पील ऑफ कर रही थी तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है। तो बस यहाँ पे मैं अपने फेस पैक को जो है पील ऑफ उसको निकाल लूँगी और अभी मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ अपने हैंड्स पे हैंड्स क्रीम, और हैंड्स क्रीम ये बहुत अच्छी है, मैंने मंगाया था तो वही मैं यहाँ पर लगाती हूँ, डेली हैंड्स क्रीम लगाती हूँ। और अभी मैं कृष्णा से बात कर रही थी, मेरा भाई यहाँ पे बैठा हुआ था। चलिए मैं इसको लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सुबह से ऐसे ही हो गया और मैं अब आपसे मिल रही हूँ। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ अपनी हैंड स्क्रीम के बारे में। हमेशा मैं आपको बताती रहती हूँ स्किन केयर रूटीन, लेकिन हमें अपने हाथों को भी ज़रूर केयर करना चाहिए। और आजकल आप देख ही रहे हैं कि कैसा माहौल चल रहा है, कोरोना की वजह से हमको बार बार अपने हाथों को वॉश करना पड़ता है, सैनिटाइज करना पड़ता है। और अब तो विंटर भी अपकमिंग है, मतलब बिल्कुल विंटर आने ही वाले हैं, सेप्टेम्बर चल रहा है तो अब धीरे धीरे सर्दियाँ आएंगी। तो उसमें बहुत सारे लोगों के हाथ जो होते हैं वो पैची हो जाते हैं, उनके हाथ की स्किन निकल लगती है। तो ये हमको चाहिए कि हम लोग एक अच्छी हैंड क्रीम यूज करें, तो उसी के लिए मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वाओ स्किन साइंस की हैंड क्रीम, जो कि मेरे पास तीन है। ये देखिए, तीन अलग अलग फ्लेवर आप बोल सकते हैं, तीन अलग अलग इसमें फ्रेग्रेंस है। तो पहली जो है वो है एवोकाडो, तो ये है फर्स्ट क्रीम। दूसरी है कोकोनट की, ये देखिए इसमें कोकोनट फ्लेवर है। एंड थर्ड वन है ये रोज, इंग्लिश रोज। तो ये काफी अच्छी हैंड क्रीम है, चलिए मैं आपको इसको दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर कैसा है। ये देखिए एकदम क्रीम फॉर्म में है और आपको इस तरह से लेके अपने हाथों में इसको अप्लाई कर लेना है, ये देखिए। और इसको लगाने के बाद आपकी स्किन जो है वो एकदम स्मूथ हो जाती है, आपकी एकदम सॉफ्ट स्किन हो जाती है और अच्छी सी स्मेल भी आती रहती है, इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। तो ये पैक ऑफ 3 आता है और इसकी जो नेट वॉल्यूम है वो 40 ml है, तो मतलब तीनों में 40 ml का प्रोडक्ट है। नो पैराबेन, नो सिलिकॉन, नो मिनरल ऑयल, नो कलर, इसमें किसी भी तरह का मिनरल ऑयल कलर नहीं है और बहुत अच्छा है ये। ये जो प्रोडक्ट है ये रोज वाटर प्लस हाइलोरोनिक एसिड से बना हुआ है, ये एवोकाडो ऑयल प्लस हाइलोरोनिक एसिड है, एंड ये जो है कोकोनट ऑयल प्लस हाइलोरोनिक एसिड। तो काफी अच्छे इंग्रेडिएंट है इसमें, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसका जो प्राइस है वो 199 पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट एक ट्यूब का है, लेकिन ये पैक ऑफ 3 में आता है तो काफी अच्छा ऑफर मिल जाएगा, कॉम्बो पैक है। तो आप लिंक पे एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। वाओ की खुद की ऐप है तो आप वहां से भी देख सकते हैं, आपको सारे डिटेल सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो जरूर चेकआउट करिएगा। और बताए आपको वाओ के प्रोडक्ट इतने अच्छे होते हैं, ये एकदम मेड इन इंडिया है, हिमालयन बोर्न वाटर से यूज होता है। इन प्रोडक्ट को बनाने के लिए 80% से ज्यादा लेडीजें इसमें सहयोग करती हैं, तो काफी अच्छे प्रोडक्ट हैं। हमें वैसे प्रेफरेंस करना चाहिए कि हम अपने इंडियन मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को ही यूज करें। तो मैंने इनको मंगाया था, मैंने आपको बताया था काफी दिन से मैं इन्हें यूज कर रही हूँ और मुझे ये बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैं आपके साथ इसका अब रिव्यू शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। आप क्या खा रही हो? मेरे लिए भी लाई हो? थैंक यू। आपने नेल पेंट लगाई है? वाओ, बहुत अच्छी लग रही है।
तो अभी यहाँ पे लंच की तैयारी हो रही है। लंच में आज ये देखिए नान बन रहा है, बटर नान है, सिंपल सी, कोई गार्लिक नहीं डाला है। तो कैसे बनता है वो तो मैंने आपके साथ पहले ही शेयर किया है। मम्मी ने बनाया है पनीर की सब्जी और साथ में ये हो गया है बटर नान। तो आज हमारा जो लंच है वो यही है, साथ में सलाद है और अचार है, वो करौंदे वाला अचार जो मैंने आपको दिखाया था मम्मी ने बनाए थे, मिर्ची वाला, बहुत अच्छा लगता है, चटपटा सा अचार, खट्टा तीखा। तो बस यहाँ पर मम्मी थाली लगा रही हैं पीहू के लिए। सबसे पहले हमारी पीहू ही खा लेती है, मम्मी बैठ के उसको खिला देती हैं। तो बस जा रही है पीहू अपना लंच करने के लिए। तो यहाँ हम लोगों का लंच तैयार है, ये देखिए गर्मा गर्म सब्जी, साथ में है बटर नान, और ये जो आप कटोरी में देख रहे हैं ना, ये है चिल्ले का, क्या बोलते हैं इसको, मम्मी ने चीले से बनाया है, मतलब दही बड़े टाइप का है मूंग की दाल का। तो मैं उसकी रेसिपी मैंने नहीं रिकॉर्ड किया, मैं कर नहीं पाई, तो मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ आपसे। तो ये दही बड़े की तरह ही लगता है, और ये यहाँ पे सैलड भी तैयार है और करौंदे का अचार जो मैंने आपको बताया था। तो चलिए यहाँ फटाफट हम लोग अपना लंच कर लेते हैं। और इधर लंच होने के बाद यहाँ भी शाम हो गई है, पीहू अपने डैडी से वीडियो कॉल कर रही है। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो कॉल में मैं आपको दिखा रही हूँ वर्मा जी। तो आप लोग अक्सर पूछते हैं वर्मा जी कब आएंगे, तो मैंने कहा चलो आज वर्मा जी को ले आती हूँ। तो आ गए हैं वर्मा जी, आप लोग भी मिल लीजिए। और पीहू देखिए कितनी खुश है अपने डैडी से बात करके। वेलकम बैक। और अभी आपने देखा पीहू बात कर रही थी अपने डैडी से, तो मैंने कहा चलो आज जब बात हो रही है तो मैं आपको भी दिखा देती हूँ, मिलवा देती हूँ वर्मा जी से, आपको भी, चलते हैं उनके पास। एक छोटी सी क्लिप मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और आप लोग काफ़ी पूछते हैं वर्मा जी कैसे हैं, तो वो बिल्कुल ठीक हैं। बस यही था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। और अब तो शाम हो गई, रात हो गई है, हम लोग ने अभी डिनर नहीं किया है, बस वीडियो कॉल आ गया था तो पीहू बातें कर रही थी, मैंने कहा चलो बातें बातें करने के बाद उसके बाद फिर डिनर करेंगे। तो बस अब मैं जा रही हूँ डिनर करने के लिए, और इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर देती हूँ। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।